रिपीटेड डिजिट नंबर्स में 3 का, यदि 3 को बार बार रिपीट किया गया हो और उसका स्क्वायर आपसे पूछ रहा हो तो उसे कैसे आप निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जैसे ये 333 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, 333 का स्क्वायर यदि आपसे पूछ रहा है तो इसे कैसे आप निकालोगे ये देखो। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एक रूल याद रखेंगे, एक फार्मूला आप लोग को मैं बता दूं, वो फार्मूला हमेशा याद रखना है। फार्मूला क्या है, यहाँ लिख देता हूँ आपका, है ओ जेड ई एन, इसे हमेशा याद रखोगे, ओ जेड ई एन, ओ जेड ई एन, ओ जेन, है ना। ओ का मतलब हो गया वन, है ना, और जेड का मतलब हो गया जीरो, और ई का मतलब हो गया एट, और एन का मतलब हो गया नाइन, ठीक है दोस्तों। वन का मतलब हो गया जीरो, और जीरो का मतलब जेड, एट का मतलब ई, और नाइन का मतलब एन, ठीक। इस तरह से एक चीज और इसमें याद रखोगे आप, अब इसको बनाते हैं फिर बताते हैं। देखो 333 का स्क्वायर पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली लास्ट में एन है तो यानी नाइन, तो नाइन को हम सीधे रख देंगे, ये बहुत आसान है, वन और टू से भी आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, यानी कि रिपीटेड डिजिट नंबर में यदि स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, थ्री वाले रिपीटेड डिजिट नंबर में स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम निकालेंगे तो इस फार्मूले से, ओ जेन, ओ जेड ई एन से, तो एन लास्ट में है यानी नाइन हमें लास्ट में लिखना ही होगा, और जो लास्ट में एन है उसको वन टाइम सिर्फ लिखना है, कितना, वन टाइम, यानी एक ही बार सिर्फ लिखोगे नौ को। उसके बाद एट आ रहा है तो एट को उतनी बार लिखोगे जितनी बार ये नंबर्स हैं इसे गिन लोगे, एक दो तीन, और इससे सिर्फ एक बार कम लिखोगे, यानी हमने गिना एक दो तीन, वन टू थ्री है, तीन बार है, तो इसको एक बार कम लिखोगे एट को, तो दो बार सिर्फ, समझ में आ रहा होगा, यानी दो बार सिर्फ लिखना है। फिर से हमें जीरो को सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है, ये जीरो, चेक जीरो। अब फिर से वन को एक दो तीन, यानी तीन बार है तो एक बार कम दो बार लिखना है सिर्फ, वन वन, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया आंसर, 333 का स्क्वायर आपका ये हो गया। आप चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना, 100% सही है ये सब, और बहुत ही आसान ट्रिक है और आपको मजा भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, जैसे आप एकदम आसान, ये 33 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देख लीजिए, ये 33 का स्क्वायर पूछ रहे हैं, तो हमने देखा है कि लास्ट में 9 लिखना ही है, तो लिखना ही सिर्फ वन टाइम लिखना है, यानी एक बार लिखना है। उसके बाद 8 लिख सकते हो, और 8 कितना बार, ये दो बार है, तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो ये 8 हो गया। इसके बाद 0 0 वन टाइम सिर्फ लिखना है, और इसके बाद 1 लिखना है, तो 1 ये दो बार है लेकिन एक बार कम लिखना है, यानी 1 ही लिखना है, 1089, ये इसका स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, ये तो आपको याद ही होगा। तो ठीक, इसी तरह से आप जो भी स्क्वायर आपसे पूछ रहा है 3 का रिपीटेड डिजिट नंबर में, उसका आराम से निकाल सकते हो। इसे भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 9 आराम से लिख दिया, इसमें तो कोई संदेह है नहीं आपको, और नेक्स्ट टाइम उसके बाद 8, 1 2 3 4, यानी 4 बार 3 है, तो हम 3 बार 8 लिख देंगे, 1 2 3, 3 बार 8 लिख दिया, और उसके बाद फिर से हम 0 यहाँ रिप्लेस कर देंगे, फिर से ये 0, और उसके बाद 1 को ये 4 बार है तो 3 बार 1 लिख देंगे, 1 2 3, और ये रहा आपका 3333 का स्क्वायर, ये आंसर है सब, ऐसे होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं हवा हवा ही नहीं पढ़ाता हूँ कि हाँ मतलब आपको बता दिया थोड़ा सा उसके बाद हट गया, नहीं, स्क्वायर यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टोटल स्क्वायर पढ़ाऊंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ये क्लास। तो दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। और अभी तो मैं 3 तक बताया, 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद अनदर नंबर भी बताऊंगा, रिपीटेड से अलग भी बताऊंगा कि उन्हें आप आसानी से कैसे निकाल सकते हो किसी भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।